नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का शख्सियत में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं, जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नव रत्नों में से एक है। जी हाँ, मुख्यमंत्री के सलाहकार और नवलगढ़ विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा हमारे साथ हैं। राजकुमार जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। आपकी राजनीति का जो सफर शुरू हुआ वो छात्र संघ राजनीति से शुरू हुआ, क्या खास वजह पॉलिटिक्स में आने की, कैसा रहा संघर्ष? शुरू से ही घर में संस्कार ऐसे मिले, लीडरशिप के गुण तो पिताजी से, बड़े भाई साहब से मिले। और जब उच्च अध्ययन के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी में आए, कॉलेजेज में आए, तो वहाँ पे छात्रों की जो समस्याएं थी उनको देखा और उन्होंने फिर आगे कर दिया हम लोगों को, क्योंकि बता रहा था ना कि लीडरशिप का तो शुरू से था कि हाँ लीडरशिप करनी है हमें। और छात्र राजनीति में फिर धीरे 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 संघर्ष करते करते छात्र छात्राओं ने कॉलेज अध्यक्ष बनाया, फिर राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यक्ष बनाया और फिर ये कारवा चलता गया, उसमें लोग जुड़ते गए, कारवा बनता गया। लंबा सफर है आपका, शुरुआत जरूर छात्र संघ अध्यक्ष के तौर पर की और उसके बाद आगे बढ़ते गए, विधानसभा के चुनाव एक के बाद एक लड़े। कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको अब तक के सफर में पीछे मुड़कर देखते हैं तो याद आता है, तो गर्व महसूस होता है और अच्छा लगता है, ये महसूस होता है कि फैसला सही था? देखिए श्वेता जी, मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं आज जहाँ पहुँचा उसमें हजारों हजारों लोगों का योगदान है और पता नहीं कितने छात्र छात्राओं का, लोगों का संघर्ष मेरे संघर्ष के साथ जुड़ा हुआ है, जिन्होंने मुझे आज इस मुकाम पे पहुँचाया है। मैं आजीवन ऋणी रहूँगा उन लोगों का जिन्होंने मुझे विश्वास करके और मेरे लीडरशिप को आगे बढ़ने का मौका दिया। छात्र राजनीति उसमें अपने आप में एक बहुत बड़ा मेरे लिए मुकाम साबित हुई, क्योंकि एक सामान्य से घर से निकल कर आना और आकर फिर पूरे राजस्थान के, आजकल तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर आसपास के लोग ही लड़के पढ़ते हैं, पहले तो पूरे राजस्थान के लड़के राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आते थे, तो सभी जिलों में जाना होता था हमें, तो वो अनुभव सबसे बड़ा है कि पूरे राजस्थान को देखने का उस समय मौका मिला। और शुरुआत में जब राजस्थान के रीति रिवाजों से हम लोग वाकिफ हो गए, तो फिर आने जो आगे वक्त के अंदर जब मैं मंत्री बना तब मुझे उसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिला, लोगों को समझने का, लोगों को मदद करने का, लोगों के साथ में काम करने का। तो मैं गर्व इस बात का होता है कि मैंने पूरे राजस्थान के अंदर 36 कौम के युवाओं की टीम जो जोड़ी थी वो आज भी मेरे साथ में है और मेरे जन्मदिन पे करीब 15,000 युवा साथी रक्त का दान करते हैं, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा गर्व का विषय है। बिल्कुल, आपका नाम राजकुमार है, महारानी कॉलेज की हम बात कर लें तो वहाँ पर तो उस दौर में कई छात्राओं के लिए आप राजकुमार ही थे, यूथ आइकन रहे, क्या वजह आपकी लोकप्रियता की? क्योंकि छात्र संघ चुनाव में महारानी कॉलेज बहुत निर्णायक भूमिका निभाता है और एक तरफा सपोर्ट आपको मिलता था। बिल्कुल मिला और उनके लिए बहुत संघर्ष किया, विशेष तौर से छात्राओं की उस समय डिमांड रहती थी कि एक तो उनको सामाजिक सुरक्षा मिले, एक लाइब्रेरी की सबसे बड़ी दिक्कत थी कि बुकें, पुस्तकें नहीं मिलती थी, एक सत्र अनियमित था उस समय, 4-4 साल के अंदर ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती थी, तो हम काम करते थे उनके लिए, दौड़ते थे, संघर्ष करते थे, पुलिस से लाठियां खाते थे, तो स्वाभाविक है कि चाहे वो छात्र हो चाहे छात्राएं हैं, तो वो लोग मेरे प्रति बहुत स्नेह रखते थे, बहुत आदर का भाव रखते थे और महारानी कॉलेज विशेष तौर से एक थम्पिंग मेजोरिटी से वोट मुझे उन्होंने किए, तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ महारानी कॉलेज की उस समय छात्र छात्राओं का भी और विश्वविद्यालय के सभी छात्रों का भी, जिन्होंने बहुत आगे बढ़ने में मेरी मदद की। लेकिन मैंने और मेरी टीम के लोगों ने संघर्ष बहुत किया, आज राजस्थान विश्वविद्यालय के सब लोग जब याद करते हैं हमारे संघर्ष को तो वो लोग उस समय बहुत खुशी जाहिर करते हैं कि हम जो भी बढ़े आज तक संघर्ष के बलबूते पर आ गए हैं। और ये सफर आगे बढ़ता है, फिर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी, बसपा, निर्दलीय, कांग्रेस, राजकुमार शर्मा जिससे भी लड़े जीत कर ही आए हैं, चुनाव जीतते गए, क्या आप मानते हैं कि किसी भी व्यक्ति के लिए चुनाव लड़ना उसके लिए पार्टी या सिंबल ये ज़्यादा महत्व नहीं रखता है और यही वजह है कि अगर ये महत्व रखता तो शायद आप हर बार कैसे जीतते? देखिए, पार्टी अब सेकेंडरी हो गई है, वर्तमान का जो राजनीति का दौर चल रहा है उसमें लोग व्यक्ति को देखते हैं कि व्यक्ति हमारा सुख दुख में काम करेगा नहीं करेगा, सुख दुख में हमारा साथ देगा या नहीं देगा, इसका विजन क्या है, क्या क्षेत्र के लिए क्या विकास करेगा। जो एक गवर्नमेंट की योजना है वो तो कोई भी चुन के आएगा तो वो साथ साथ में जुड़ा रहेगा, लेकिन अलग से हटकर हमारे लिए क्या कर रहे हैं, तो आज की युवा पीढ़ी उस बात को विशेष ध्यान देती है। और मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि मैं उस झुंझुनू जिले से हूँ
जिस प्रकार से हिंदुस्तान में केरला का स्थान है शिक्षा के अंदर, वैसे हमारे राजस्थान में मेरे झुंझुनू जिले का स्थान है। झुंझुनू में भी नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र वो शिक्षित विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पे हर घर के अंदर आपको सरकारी सेवा के अंदर व्यक्ति मिल जाएंगे। तो वो लोग काम को और सेवा को पुरस्कार देते हैं और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं किसी भी सिंबल से गया होऊंगा, उन्होंने मुझे आगे से आगे लीड को बढ़ाते हुए और मेरा हौसला बढ़ाया और मेरे काम को और मेरी सेवा को आशीर्वाद दिया। लेकिन जब फैमिली बैकग्राउंड पॉलिटिक्स का ना हो तो थोड़ी मुश्किलें तो होती हैं। अब ऐसे में जैसे कि हमने देखा भी और सुना पढ़ा भी है, शीश राम ओला जैसे दिग्गज नेता जिन्होंने कई बार रोकने की कोशिश की कि कोई उनका वर्चस्व कायम रहे, ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि वो उस दौर की बात नहीं है, आज के दौर में भी ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ रही हैं। मैं तो इसमें ये कहना चाहूँगा कि अब तो हवाएं करेंगी रोशनी का फैसला, अब तो हवाएं करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया जलता रह जाएगा। हम राजनीतिक परिवार से नहीं हैं, लेकिन मुझे कहते हुए गर्व है कि मेरे पिताजी पंडित राम निवास जी शास्त्री वो राजनीति से तो नहीं जुड़े रहे लेकिन सामाजिक सरोकारों से बहुत जुड़े रहे हैं। उनका संघर्ष, लोगों से जुड़ाव, एक शिक्षाविद के रूप के अंदर कम से कम 15 से 20 पंचायतें तो ऐसी थी जब मैं पहला चुनाव लड़ रहा था, उस समय सब लोग ये कह रहे थे कि ये शास्त्री जी का लड़का है, शास्त्री जी का लड़का है। तो मेरे फादर जाके सब लोगों को कहते थे कि तुम राजकुमार पर एक भरोसा करके, मेरे कहने से भरोसा करो, एक बार इसको जिताओ, मेरा दावा है कि तुम उसके बाद में इसको कभी भी हारने नहीं दोगे, बहुत काम करेगा, बहुत सेवा करेगा। और उस पिताजी का जो वचन दिया हुआ था जनता को, उस वचन को निभाने के लिए मैं, मेरा अनुज राजपाल और मेरे टीम के हजारों कार्यकर्ता हैं, मैं अकेला कुछ भी नहीं हूँ, हम कार्यकर्ताओं का एक बहुत बड़ी टीम है जिनकी बदौलत हम लोग इस कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं, लोगों की सेवा करने में कामयाब हो पा रहे हैं। बिल्कुल। और लेकिन एक तरह से सवाल आप पे उठते भी रहे हैं कि आप तो ठीक है पॉलिटिक्स में आए, आप काम कर रहे हैं, एक अहम बात ज़रूर आपकी कही जाती है कि अपने विधानसभा क्षेत्र के नवलगढ़ के लोगों के लिए आप हमेशा सक्रिय रहते हैं, आप हमेशा खड़े रहते हैं। ऐसे में हॉस्पिटल में व्यवस्थाओं को लेकर बात कर ली जाए, क्योंकि ये सब दिक्कतें हैं जो लोगों को होती हैं, लेकिन अपने क्षेत्र के बाहर निकलने पर कोई विधायक पूछता नहीं है। ये शुरुआती दौर से ही था कि नहीं इनकी मदद करनी है, क्योंकि ये सब देखने को सिर्फ चुनाव के वक्त मिलता है, पूरे 5 साल नहीं। मैं सौभाग्यशाली हूँ श्वेता जी कि नवलगढ़ तो देखिए मेरा जन्मभूमि है, मेरी कर्म भूमि है, लेकिन राजस्थान और राजस्थान के बाहर कोविड के अंदर भी हरियाणा तक, दिल्ली तक के लोग आए मदद मांगने, उनके लिए हम लोग सहर्ष तैयार रहे। कोविड के समय जब सब लोग डर रहे थे, उस समय हम लोगों ने बहुत आगे बढ़कर लोगों का हौसला भी बढ़ाया और उन तक ऑक्सीजन से लेके जो जो हम उनकी मदद कर सकते थे कि चिकित्सा की जो सेवा है ये सबसे बड़ी मेरे जीवन का अहम हिस्सा है। आज मुझे कहते हुए गर्व है कि नवलगढ़ के अंदर मैंने एक तहसील हेडक्वार्टर पर जिला अस्पताल माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बना दिया गया है। आज मेरे नवलगढ़ के अंदर 2500 ओपीडी है, आप समझिए 2500 ओपीडी, तो आसपास के कम 5 विधानसभा क्षेत्रों के लोग वहाँ पे इलाज कराने के लिए आते हैं, 40 डॉक्टर्स की टीम है। एसएमएस के अंदर नवलगढ़ झुंझुनू के लोग तो चलो ज़्यादा टच में रहते हैं तो आते हैं, बाकी राजस्थान से कहीं पर भी कोई व्यक्ति आएगा तो हमारा संकल्प है कि रक्त के अभाव में, इलाज के अभाव में और दवा के अभाव में किसी व्यक्ति की जान नहीं जाने देंगे, बाकी बचाने वाला बाबा राम साफीर है। और उसी बात को अमल करते हुए हम लोग एसएमएस की सेवा हो, चाहे बीकानेर के अंदर कैंसर हॉस्पिटल की सेवा हो या मेरे नवलगढ़ के अंदर भी एक ऐसा हमने सिस्टम खड़ा कर दिया है चिकित्सा क्षेत्र का कि आज एक छोटे से नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में डायलिसिस होती है जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों, तो वो कितना बेनिफिट उन लोगों को मिल रहा है, वो परिवार जो किडनी पेशेंट है जिनके परिवार में वो 10-10, 15-15 हज़ार रुपये महीने की उनको 3-3, 4-4 बार डायलिसिस करानी पड़ती थी, आज वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है। तो उन लोगों की दुआओं का असर है कि हम लोग ये काम करने में काम। और गहलोत सरकार में चिकित्सा राज्य मंत्री भी रहे हैं और बेहतर, इसलिए चिकित्सा शायद बहुत जुड़ाव भी रखता है आपसे, मदद भी लोगों को आप करते हैं। बहुत सारी योजनाएँ सरकार की आई हैं चिकित्सा के क्षेत्र में, जो योजनाएँ लेकर आई, किस तरह से आप देखते हैं, आपको लगता है कि ऐसी योजनाएँ लाना भी एक बड़ी बात है और उसे इम्प्लीमेंट करना भी? देखिए माननीय अशोक गहलोत जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, जब मैं चिकित्सा राज्य मंत्री था उनके पिछले कार्यकाल में, तो एक बहुत बड़ी योजना आई मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, वो संजीवनी बनकर उभरी पूरे राजस्थान के लोगों के लिए। और फिर उसमें धीरे धीरे जब बीजेपी सरकार है तो बीजेपी सरकार ने भी उसको आगे बढ़ाने का काम किया और अब तो मैं कह रहा हूँ कि इतना बड़ा काम कर दिया है कि सरकारी अस्पताल में चिरंजीवी योजना लाकर 10-10 लाख रुपए का बीमा करना, इलाज मुफ्त करना,
जांचें सारी मुफ्त, दवा मुफ्त, यानी एक संकल्प है जैसे मुख्यमंत्री जी का कि व्यक्ति मेरे राज्य में भूखा उठेगा जरूर लेकिन सोने भूखे नहीं दूंगा, वैसे ही दवा के और पैसे के इलाज के अभाव में व्यक्ति की जान नहीं जाने देंगे। ये मुख्यमंत्री जी का भी संकल्प है, हमारी सरकार का संकल्प भी है। और जब कभी बेहतर काम होते हैं तो खामियाजा उसका भी भुगतना पड़ता है। आप पर कई तरह के आरोप लगे, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया, ये भी कहा गया कि आप क्षेत्र में जाते नहीं हैं, जनता के बीच नहीं जाते हैं, अपने परिवार भाइयों के हित के लिए कुछ आप गलत भी करते हैं, यानी जो नहीं करना चाहिए लीगल है, ऐसे ऐसे आरोप लगे। आप डटकर खड़े रहे उनके सामने, आपने उनका जवाब भी दिया, लेकिन कभी क्या जहर में थोड़ा भी डर नहीं आया कि आपकी छवि खराब करने की जो कोशिश की जा रही है उससे कितना नुकसान हो सकता है? देखो, अगर मैं कहता हूँ कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। नियत अगर आपकी ठीक है तो जितने ज़्यादा जितने भी षड्यंत्र लोग रचेंगे वो अपने आप ही उनका पर्दाफाश होता जाएगा। और मैं कह रहा हूँ कि जिसके ऊपर 36 कौम का आशीर्वाद, और मैं तो कहता भी हूँ हमेशा स्पीच के अंदर कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वो सम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, यानी जिस पे भगवान की कृपा है, ईश्वर की कृपा है, बालाजी महाराज की कृपा है और जनता जनार्दन की कृपा है, उसको कोई भी षड्यंत्र के अंदर वो शामिल उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। षड्यंत्र रचे गए आज से नहीं, विश्वविद्यालय की राजनीति से लेकर आज तक मैंने षड्यंत्रों का बहुत सामना किया है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो लोग षड्यंत्र कर करके थक गए या थक जाएंगे, जनता समझती है, जनता जानती है, या मुझे जो पहचानने वाले हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे उन्हीं लोगों की परवाह है जो मुझे जानते हैं, जो मेरे बारे में समझते हैं, मेरे काम को देखते हैं, मेरे व्यवहार को जानते हैं, मेरी सेवा को देखते हैं। मैं उन लोगों की परवाह नहीं करता। जो लोग कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ता है यानी उनके परिवार का व्यक्ति आगे बढ़ता है तो भी वो जलन रखते हैं, तो ऐसे लोग किसी के भी सगे नहीं हो सकते। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे साथ कितने भी षड्यंत्र रचे गए, मेरे लोग, मेरे 36 कौम की जनता मेरे साथ चट्टान की तरह खड़ी भी रही और ढाल बनकर मेरी रक्षा भी करी। बिल्कुल, और इसलिए ये जीत दर जीत मिलती भी गई क्योंकि जनता का ही प्यार और सपोर्ट है जो मिलता है। बिल्कुल, हम इस पर चर्चा आगे भी जारी रखेंगे राजकुमार जी, क्योंकि बहुत ऐसे अहम चीज़ें हैं कि सवाल भी उठते हैं, आरोप भी लगते हैं, उसका जवाब भी देना और जनता का प्यार भी साथ में मिलना और काम भी करते रहना, ये एक बड़ी बात होती है किसी भी राजनीतिक की। चर्चा राजकुमार जी से आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। डॉक्टर राजकुमार शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए। राजकुमार जी, एक बार फिर आपका बहुत स्वागत। ब्रेक से पहले भी हम बात कर रहे थे षड्यंत्रकारियों को लेकर, षड्यंत्र को लेकर यूनिवर्सिटी के दौर में की गई कुछ गलतियां आज भी हिसाब मांगती हैं। क्या कभी मलाल नहीं हुआ आज के वक्त की अगर हम बात करें तो? क्योंकि सच्चाई क्या है ये आप बेहतर जानते हैं, लेकिन उसके बाद जो आरोप सवाल जुड़ते गए तो कई तरह की चर्चाएं होती रही। देखिए, राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है, हालांकि आज तो राजनीति नहीं, आज तो हर क्षेत्र के अंदर आरोप लगने लग गए, लेकिन राजनीति ये कांटों भरा रास्ता है और इसमें वर्तमान समय के अंदर आरोप लगना एक सामान्य सी बात हो गई है। हमने किसी के साथ कोई धोखा नहीं किया, हमने किसी को कभी नाजायज परेशान नहीं किया। हमारी शराफत का लोगों ने ज़रूर फ़ायदा उठाया, हम क्योंकि हम गांव से निकलकर आए थे और शुरुआती दौर के अंदर कुछ लोगों ने इस तरह से, क्योंकि राजनीतिक रूप से रोकना चाहते थे कि ये व्यक्ति आगे नहीं बढ़ जाए, तो काम करके हमसे कोई आगे नहीं जा सकता कंपटीशन में, हमारे व्यवहार से वो कंपटीशन नहीं कर सकते, हमारी सेवा को वो कंपटीशन उसमें सेवा में नहीं कर सकते। तो इस तरह के, अरे ये आरोप कोई आज इस कलयुग में नहीं लग रहे हैं, सतयुग के अंदर भी लगे थे। आप देख लीजिए हमारे जितने भी पौराणिक चीज़ें हैं उनको उठा के देख लीजिए, जो काम करेगा उस पर लोग आरोपित लगाएंगे। कभी आपने सुना है किसी पत्थर के ऊपर किसी सूखे पेड़ पे किसी ने पत्थर मारा हो? पत्थर भी उसी पेड़ पे मारे जाते हैं जिसके फल लगे हुए होते हैं। तो लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उन षड्यंत्रों से हम निकले हैं और कानून ने हमें न्याय दिया है और आगे भी मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि उन लोगों को सद्बुद्धि दे और कंपटीशन करके और ईश्वर को साक्षी मानते हुए और खुद आगे बढ़े। कौन मना करता, आगे बढ़े, उनको ईश्वर बढ़ाएगा, आगे जनता आगे बढ़ाएगी। लेकिन इससे इस तरह से षड्यंत्र रचकर किसी व्यक्ति को अगर राजनीतिक रूप से पीछे धकेलना तो ये जनता ये सब जानती है। बिल्कुल, तो अब ये सब कामयाब नहीं होने वाला, हालांकि पहले भी नहीं हुए और पहले भी नहीं हुए और आगे भी कह रहे हैं।
यूथ आइकन है आप, छात्र संघ चुनाव भी होने वाले, आपने भी शुरुआत ऐसे ही की थी, क्या बदलाव पहले और अब में आप पाते हैं? अभी की अगर हम बात कर ले, चुनाव होने वाले हैं लेकिन मुद्दे ही छात्र हितों के नहीं होते, लेकिन आपको विरोध करना है, आप टंकी पर चढ़ जाते हैं कहीं कुछ, तो एक आपको लगता है कि ट्रैक बदल चुका है? बिल्कुल बदल गया है, और जब से ये सोशल मीडिया आई है तब से तो और ज़्यादा बदल गया है। हमारे समय में अब मैं बहुत रात दिन का फ़र्क हो गया है, क्योंकि उस समय हमें हमारी पहचान बनाने के लिए सड़कों पर संघर्ष करना पड़ता था। ऐसी मांगें जो छात्र छात्राओं की होती थी उनको लेकर हमें सड़क से लेकर वाइस चांसलर के ऑफिस तक हम संघर्ष करते थे, और फिर एक एक व्यक्ति से यानी एक एक छात्र से हम लोग व्यक्तिगत जाके मिलते थे, छात्रावासों में जाके मिलते थे, और उनसे हमारा व्यक्तिगत लगाव रखते थे सब लोगों से। और उसके बाद के अंदर एक बार में तो कोई जीतता नहीं था। पहले एक बार हारना, दो बार हारना, फिर तीसरी बार जिताते थे, यानी छात्र छात्राएं भी ठोक बजा कर उसको इतना तैयार कर लेते थे कि हाँ अब भी अध्यक्ष बनने लायक हो गया है, इतना संघर्ष हो गया, अब इसको संघर्ष का इनाम देना चाहिए, तो उसको संघर्ष का इनाम मिलता था। आजकल 15 दिन का चुनाव हो गया है, और 15 दिन के अंदर सोशल मीडिया के माध्यम से आजकल सबके पास में व्हाट्सएप नंबर, फेस नंबर, ट्विटर पे सब लोग आपस के अंदर अपनी अपनी बात कहकर, और जो ये रास्ता अपना रहे हैं ये टंकियों पर चढ़कर, मैं इसके पक्ष में कभी नहीं रहा। अगर दम है उनमें वर्तमान के छात्र नेताओं के अंदर, तो आप आइए संघर्ष कीजिए सड़कों के ऊपर, और वाइस चांसलर को या सरकार को आप में इतनी ताकत होनी चाहिए कि झुकाने की ताकत होनी चाहिए कि नहीं हम ये चीज़ चाहते हैं और ये सरकार को माननी पड़ेगी, लेकिन पीछे दम भी होना चाहिए। अब ये लोग 2, 4, 5, 10 लोग जिसके साथ के अंदर हो गए या जिसके 100 फ्रेंड बन गए फेसबुक के ऊपर, वो छात्र नेता नाम लगा, हमने कभी छात्र नेता नहीं लिखाया कभी भी, कि छात्र नेता कभी नहीं लिखाया। और मैं तो कह रहा हूँ कि मैं तो कभी भी विधायक भी नहीं लिखाता, मेरी गाड़ी पर आज तक नहीं लिखाया, कभी नहीं लिखाते हम लोग, क्योंकि पहचान अगर आप काम से पहचान होनी चाहिए आपकी, तो अपने आप ही नाम हो जाता है, लोगों को पता चलता है कि यहाँ कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है। तो वर्तमान चुनाव अलग टाइप के चुनाव हो गए, 15 दिन के चुनाव, और एक बार जो हार गया दोबारा चुनाव लड़ नहीं सकता, इसलिए अभी वर्तमान की स्थिति के अंदर ये छात्र नेता हैं वर्तमान में। लेकिन ज्यादातर ऐसे छात्र नेता भी उभर रहे कि उनको दिखता है कि आगे हमें राजनीति में जाना है, चुनाव लड़ना है, और शुरुआत इससे होगी, तो बस हम इस आना भी चाहिए, आना भी चाहिए, क्योंकि 2 साल बाद में चुनाव हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा दिल दिखाया है कि कोविड महामारी के बाद के अंदर छात्र संघ के चुनाव वापस शुरू किए हैं, और छात्र चुनाव नहीं होते तो हम भी कहाँ से आगे आ पाते, क्योंकि आज हमारा बैकग्राउंड तो छात्र राजनीति का ही है। तो मेरी शुभकामनाएं हैं वर्तमान के अंदर जो छात्र छात्राएं हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, इस उद्देश्य के साथ के अंदर लड़ना चाहते हैं कि हमें भविष्य के अंदर हमें इस प्रदेश की बागडोर संभालनी है, प्रदेश के विकास के अंदर हमें अपनी भागीदारी दिखानी है, तो मेरी शुभकामनाएं आने चाहिए। यूथ आएगा तो और ज़्यादा काम हो पाएगा, क्योंकि युवा वर्तमान विजन के साथ में आएगा। आज के युवाओं की क्या सोच है, आने वाले समय बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि इलेक्शन के माध्यम से जो बच्चे ये सोच रख कर राजनीति में आ रहे हैं, वो सिर्फ उनको पार्ट टाइम जॉब नहीं रखना चाहिए, क्योंकि फुल टाइम जॉब है। मैं पब्लिक के साथ मिलना जुलना, उनके काम करना, ये नहीं कि 2 घंटे के लिए हम चले गए और उसके बाद के अंदर हम दूसरे काम में लग गए, ये तो फुल टाइम जॉब है। इसके अंदर अपने आप को सर्वस्व न्योछावर करना पड़ता है, तब जाके कामयाबी मिलती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नवरत्नों में से एक हैं जो सलाहकार बनाए गए, और जब सलाहकार बनाए गए थे तब भी सवाल उठ रहे थे कि इतने सलाहकार की जरूरत क्यों है, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या जिम्मेदारी आप सलाहकारों की समझते हैं, क्योंकि आप खुद ये भूमिका निभा रहे हैं? देखिए, ये बात तो सच है कि अशोक गहलोत जी अपने आप में चाणक्य हैं, और चाणक्य को किसी भी सलाह की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पूरा प्रदेश की बागडोर वो संभालते हैं, हर काम की मॉनिटरिंग वो स्वयं नहीं कर पाते हैं। हम फील्ड के लोग हैं, फील्ड में रहते हैं 24 घंटे, तो फील्ड में क्या चल रहा है, लोगों लोग राज के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या उनके रोजगार के लिए बेरोजगार क्या सोच रहे हैं, युवा क्या सोच रहा है, महंगाई के प्रति क्या सोच रहा है, यानी समाज के अंदर कहाँ पे क्या चल रहा है, वो वास्तविक स्थिति मुख्यमंत्री जी तक एज ए सलाहकार के रूप में, एक विधायक के रूप में, एक राजस्थान के नागरिक के रूप में पहुँचाते हैं। और मैं नहीं, मेरे साथी जितने भी लोग हैं संगठन के हों, चाहे सत्ता के अंदर हों या विधायक हो, सब लोग मुख्यमंत्री जी को अपनी बात कहते हैं। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी सबकी बातों को ध्यान में रखते हैं और अच्छे सुझाव होते हैं, उनको अमल में लाते हैं।
कांग्रेस की सरकार बनी 2018 में, लेकिन सरकार बनने के साथ ही मुश्किलों का सामना कांग्रेस को बहुत करना पड़ा, काफी उठापटक हुई जिसको लेकर विपक्ष को भी मौका मिला सवाल उठाने को लेकर। आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि बार बार ये कहा जाता है गतिरोध है, एकजुटता नहीं है, साथ नहीं है, और अगर कोई साथ नहीं होगा एक टीम के अंदर तो अगले चुनाव में कैसे जाएंगे, कैसे जीत मिलेगी? देखिए, अभी अगर काम का देखा जाए तब तो कोई भी व्यक्ति चैलेंज नहीं कर सकता, विपक्ष भी अंगुली नहीं उठा पा रहा है। ये लोग सिर्फ क्या झूठ की राजनीति करते हैं ये लोग। अभी एक संत का दर्दनाक मौत हुई भरतपुर के अंदर, क्या दिल्ली से लेके राजस्थान तक इन लोगों ने कितना बाउंडर मचाया इन लोगों ने, क्योंकि वो संत के लिए राजस्थान हमारी सरकार हमारे लिए बहुत बड़ी वो शर्मिंदगी का विषय था कि हमारे राज्य में किसी संत को आत्मदाह करना पड़ा। लेकिन वहीं उनके एक विधायक ने जालौर के अंदर आत्महत्या कर ली, आज भारतीय जनता पार्टी उसके बारे में कुछ बोल ही नहीं रही है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, और आपने देखा महंगाई के ऊपर काले कपड़े पहन के हमारे कांग्रेस के लोगों ने जब विरोध किया तो उसका भी वो लोग ये कह रहे हैं कि साहब आज वो दिवस है इसलिए काले कपड़े पहन के। मैंने कहा पता नहीं इस देश की राजनीति को ये लोग कहाँ लेके जाना चाहते हैं। मैं इतना कह सकता हूँ कि राजस्थान की सरकार जनहित के अंदर अच्छे काम कर रही है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात पर ज़्यादा विचार कर रहे हैं कि युवाओं को रोजगार हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे दें, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे गवर्नमेंट के अंदर हो, उस पर ज़्यादा सबसे ज़्यादा मंथन चल रहे हैं। और वर्तमान में जो महंगाई की जो स्थिति है, मैं आने वाले समय में कह रहा हूँ कि अच्छे हालात नहीं होंगे देश के। जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, इस महंगाई और बेरोजगारी से महंगाई बढ़ रही, इनकी वजह से जो अपराध बढ़ रहे हैं, अपराध में जो इजाफा होता जा रहा है, वो समाज के लिए ठीक नहीं है। एक से डेढ़ साल का वक्त ही मान सकते हैं कि चुनाव है, चुनाव मोड में एक साल ही बहुत है, कि तैयारियां किस तरह की कांग्रेस कर रही है, क्योंकि राजस्थान का तो हमेशा से क्राइटेरिया 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस। क्या इस मिथ को, इस परंपरा को इस बार कांग्रेस तोड़ पाएगी? 100% टूटेगा इस बार ये मिथ टूटेगा, क्योंकि जनता इस बात को समझ गई है, इनके झूठी बातों को समझ गई है कि देश को ये लोग सिर्फ धर्म के नाम पर मोड़ना चाहते हैं, वास्तविक जो मुद्दे हैं उन पर किसी को भी आना देना नहीं चाहते। हर विधायक को, हर विधानसभा क्षेत्र को माननीय मुख्यमंत्री जी ने सर्वांगीण विकास करने के लिए जो बजट दिया है, वो बजट ही नहीं दिया, उनके टेंडर भी हो गए और धरातल पे वो काम दिखने भी लग गए। जनता को क्या चाहिए, जनता को काम चाहिए कि भाई मेरे क्षेत्र के अंदर अच्छी रोडें हों, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो, अच्छी चिकित्सा की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, तो ये सारे चीज़ें आम जनता को इसी से सरोकार होता है। तो वो मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि राजस्थान के अंदर कोई सा भी ऐसा विधानसभा क्षेत्र नहीं होगा जहाँ पे विकास के कार्यों में कोई हमारी सरकार ने कमी रखी है। अब विकास के कार्यों को देखते हुए अगर जनता अपना फैसला लेगी तो 100% कह रहा हूँ कि थंपिंग मेजोरिटी से कांग्रेस सरकार वापस आएगी। और जो ये झूठ का बवंडर फैला के पूरे देश के अंदर एक राजनीति को अलग दिशा देना चाहते हैं, भाई भाई के अंदर झगड़ा कराना चाहते हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि उसके लिए तो फिर ईश्वरी मालिक है, भगवानी मालिक है, क्या होगा। शेखावाटी क्या फिर फतेह कांग्रेस कर पाएगी? शेखावाटी हमेशा से कांग्रेसी विचारधारा का क्षेत्र रहा है, और अभी भी हम लोग थंपिंग मेजोरिटी से विधायक शेखावाटी से ही हैं, और आने वाले वक्त के अंदर भी मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, क्योंकि पढ़ाली का क्षेत्र है और वो लोग काम करने वाले व्यक्ति को आशीर्वाद देते हैं, तो निश्चित रूप से कांग्रेस इस बार भी शेखावाटी क्षेत्र के अंदर बढ़त लेगी, ये मेरा विश्वास है। और अगर डॉक्टर राजकुमार शर्मा की बात करें, वो किससे चुनाव लड़ेंगे, बसपा, कांग्रेस, निर्दलीय, या उस वक्त में देखो कांग्रेस होगी या फिर कांग्रेस के साथ ही है? हम तो मुश्किल समय में भी साथ खड़े रहे हर चीज के लिए, और मैंने कहा ना कि मैंने कभी भी कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा था। ये टिकटें विकटें काटना ये लोग ही बार बार करते रहे, लेकिन मैं अभी भी कहता हूँ कि डॉक्टर राजकुमार शर्मा की टिकट है वो जनता के पास है। मेरी नवलगढ़ की 36 कौम की जनता मेरे को टिकट देकर विधानसभा में भेजती है, लाखों लोग जो प्रदेश में और देश में या बाहर रहते हैं वो लोग मेरे लिए दुआ करते हैं। तो मैं अभी मेरा पूरा ध्यान इतना ही है कि मैंने जो मेरी जनता से वादा किया है उन वादों को मैं पूरा करूं, और चुनाव से पहले कह सकूं कि जो मैंने कहा वो मैंने आपकी सेवा में समर्पित कर दिया, जो आपने मेरे पे कर्ज चढ़ाया उस कर्ज को ब्याज सहित काम करके सेवा करके मैंने उतार दिया है, और फिर आगे लाइसेंस रिन्यूअल के लिए जनता के बीच में जाऊंगा। जनता मुझे विश्वास है, मेरी जनता बहुत मुझे चाहती है, बहुत प्यार करती है, बहुत आशीर्वाद। यानी कि किससे क्या चुनाव लड़ेंगे ये ज्यादा महत्व राजकुमार शर्मा के लिए नहीं रहता, चुनाव लड़ेंगे ये तय है नवलगढ़ से। कभी नीरा मेरे लिए महत्व, मैंने कहा ना आपको, क्योंकि मैं राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष भी निर्दलीय के रूप में रहा,
उसके बाद में तीन विधायक के इलेक्शन लड़े, तीनों अलग अलग सिंबल से लड़े, और मैं स्वयं भी नहीं देखता ये चीज़, न मेरी जनता को इससे कोई फ़र्क पड़ता। वो लोग सिर्फ मेरे काम को और मेरे व्यवहार को, मेरी सेवा को वो लोग आशीर्वाद देते हैं, वोट देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो वो उसमें कहीं कोई कमी रही नहीं है, ना आगे भी रहेगी। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो काम प्रदेश सरकार ने किया उसके आधार पर सरकार रिपीट होगी उसके अलावा, लेकिन चुनाव के वक्त पे तो मुद्दे ही बदल जाते हैं। मैंने आपको कहा ना कि अगर विकास के कार्य, गुड गवर्नेंस का मामला अगर आएगा तब तो कोई भी सरकार को रिपीट करने से रोक नहीं सकता। लेकिन जिस प्रकार से मैंने कहा ना, मैं तो ताज्जुब कर गया कि राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष रहे भाई वो, और वो कह रहा है कि कावड़ यात्रा पे प्रतिबंध किस को, एक बार दिखाए तो सही आदेश कि यहाँ प्रतिबंध लग गया, कौन प्रतिबंध लगा रहा है। जैसे राहुल गांधी जी के दफ्तर पर हमला हुआ केरला के अंदर, उन्होंने कहा भाई मेरे पे हमला करने वाले जो भी SFI के जो कार्यकर्ता थे मैं उनको माफ़ करता हूँ, उसको कट पेस्ट करके और किस तरह से दूसरी घटनाओं से जोड़कर, और एक मीडिया चैनल ने तो चला भी दिया उसको। तो ये झूठ की राजनीति ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली है। ये लोग लोकतंत्र के अंदर चुनी हुई सरकारों को गिराने में विश्वास करते हैं। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आने वाले वक्त में हिंदुस्तान की जनता समझेगी राजस्थान की जनता विकास के कार्य जो कर रही है हमारी सरकार उसको प्राथमिकता देते हुए अपना निर्णय लेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। एक आखिरी सवाल है कि राजकुमार शर्मा पॉलिटिक्स में आए, सफर आगे बढ़ता रहा, लेकिन अगर पॉलिटिक्स में नहीं होते तो क्या होते हैं, क्या इंटरेस्ट रहता है शुरुआती दौर से अगर देखें तो? व्यापार में होते हैं, व्यापार तो अभी भी कर रहे हैं, व्यापार में तो अभी भी हैं, क्योंकि बिना व्यापार के हम लोग कैसे चल पाएंगे, क्योंकि इतना खर्च, इतना जबरदस्त खर्चा, इतनी बड़ी टीम को साथ लेके चलना, अगर राजनीति में नहीं होता तो निश्चित रूप से व्यापार किसी भी क्षेत्र में होते उसके अंदर अच्छा ही करते, ये मेरा मानना है। चलिए, बहुत शुक्रिया राजकुमार शर्मा जी शो में आने के लिए, बातचीत के लिए, और उम्मीद करते हैं कि जो उद्देश्य लेकर आम जनता की सेवा के लिहाज से लगातार जो आप काम कर रहे हैं वो आगे भी ये सफर कायम रहे और उस पर कोई हावी ना हो, चाहे जिस किसी भी तरह का षड्यंत्र हो, आरोप हो, उससे इतर आप ऐसे ही कामयाबी से काम करते रहे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और चलिए, इसके साथ शख्सियत में आज के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।